मंगल लाडी लवेंगे, मंगल मंगल लाडी लवेंगे, चार चार बंगड़ी की गाड़ी लवेंगे, मंगल मंगल लाडी लवेंगे, मंगल मंगल लाडी लवेंगे, चार चार बंगड़ी की गाड़ी लवेंगे। हमारी जो राजस्थान की जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी बोली भाषा है, हमारे संस्कार है और हमारे रीति रिवाज है और फेस्टिवल है, एक मूवी के द्वारा हमने इतिहास में पढ़ा है और सुना है, लेकिन साथ साथ एक मूवी एक समाज का आईना होता है। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आ गई पिक्चर, बहुत बढ़िया चलेगी। झरने का सीन सबसे मस्त है, झरने पे ही आधारित फिल्म है ये, और उसमें मैं कड़ी मेहनत से उसके अंदर लगन थी जो उसके कारण वो फिल्म हिट हो सकती है राजस्थान। राम राम सर, खमागढ़ी। मेरा नाम रेखा है, हम लोग मुझे क्या है, बहुत अच्छी लगी। मंगल की मेहनत रंग लाई है इसमें और है क्या। बहुत अच्छी मूवी थी, इसमें पूरा आदिवासियों के लिए बताया गया है कि, और जो मूवी की शूटिंग की है विपिन जी ने, बहुत अच्छी शूटिंग की है, जंगलों में इतनी अच्छे से शूटिंग की है। बहुत अच्छी मूवी थी। सोचा था पहले तो कि क्या पता राजस्थानी मूवी है कैसी होगी, लेकिन देखने के बाद पता लगा इसमें शिक्षा के प्रति और जो ये पुराने ज़माने में कुछ जादूटोनों पे इनमें सब तरीके से, मतलब बहुत अच्छी मूवी थी। मारू नाम है गोविंद सिंह राजपूत और मैं आज फिल्म देखने आवड़ा बाहुबली। उनके मायने बहुत ही मजो आया और जकी चीजें हैं आपने, मतलब उदयपुर जो है महाराणा प्रताप को जो शौर्य है और काफी सारी चीजें हैं जो मैंने पतो को नहीं, वो काफी सारी चीजें मैं आज की मूवी में बड़े पर्दे पर देख मैंने आया चीजें पतो चल रही है। और मैं आभार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ विपिन तिवारी जी सर ने कि वे हमारी राजस्थानी संस्कृति ने आगे बढ़ावा के वास्ते अब तो कुछ करियो है, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच शत्रुघ्न पारीख साहब ने जगह पूरे राजस्थान प्रदेश में बाकी फिल्मा ने बड़े पर्दे के माध्यम दिखावे है, और भाई अमिताभ ने बहुत बढ़िया काम करियो है, और शिवराज गुर्जर जी को तो कहो भाई वे भी बहुत अच्छा काम करो। मंगल का रोल बहुत बढ़िया था, बेस्ट रोल था, बहुत अच्छी मूवी लगी हमें। सबसे अच्छा रोल मुझे मंगल और दंगल दोनों का बहुत अच्छा लगा, मूवी बहुत अच्छी लगी। तो बाहुबली है बहुत ही अच्छी है, जिसमें पूरे राजस्थानी कल्चर के बारे में बताया गया है, इसमें आदिवासी इलाके के बारे में, उनकी जिंदगी कितनी टफ है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और इसके साथ ही गांधीवादी जो विचारधारा है उसके माध्यम से लोगों में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है उसके बारे में इस मूवी में बहुत अच्छा बताया गया है। ये मूवी भी काफ़ी अच्छी लगी, इसमें मतलब हिंसा के बारे में बताया गया है कि कभी हमें हिंसा का मार्ग नहीं बनाना चाहिए, हमेशा हिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। ये मूवी 3 बार देखी है और 4थी बार 5वीं बार 6वीं बार 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 देखना चाहती हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी बच्ची को इतने बड़े पर्दे पर देखकर। फीलिंग्स आप समझ सकते हैं कि मैं उनकी माँ हूँ तो मुझे कैसा लग रहा होगा। आई लव माई डॉटर। और अमिताभ सबसे अच्छा, मेरे हस्बैंड ने जब ये मूवी पहली बार देखी तो उन्होंने अमिताभ की बहुत तारीफ की, उसके बाद वो अमिताभ से मिले कहते कि इतनी अच्छी एक्टिंग की है, उसके बाद हम देखे तो पर्दे पर तो बिल्कुल डिफरेंट, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर की तरह उन्होंने काम किया है। और विपिन जी, अजय जी बहुत अच्छी मूवी बनाई है, हम बार बार देखेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे। बहुत सारा बात मैंने राजस्थानी फिल्म देखने को मौका मिले और आज आप फिल्म देख मैं करो खर्च हुए संगीत बहुत मधुर हो तो ऐडी फिल्म बढ़नी चाहिए और राजस्थानी भाषा ने इस तरह ही आगे बढ़ाऊंगा आपा, तो आप लोग कर्तव्य है कि ऐडी फिल्म बढ़े और ऐडी फिल्म आप देखा जिनसे आपने राजस्थानी और ज़्यादा समृद्ध बढ़ सके। विपिन तिवारी जी सर का जो ये काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, इसमें अमिताभ जो अभिनेता है उनका काम, संगीता चौधरी का काम, इसके साथ साथ जो भी उनके सहायक कलाकार हैं उन सभी का काम फैंटास्टिक रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि खूब अच्छे से अच्छे ये मूवी आगे जाए और खूब अच्छा अपना नाम कमाए और राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमाए। हिंसा का मार्ग छोड़ देना चाहिए, अहिंसा का मार्ग पे चलना चाहिए। अगर वो हिंसा के मार्ग पर वो चलते जिसमें वो मैन रोल था, जिसमें वो शायद ये सब नहीं कर पाते, और उनके हमें सीख मिलती है कि हमें भी हिंसा के रास्ते पे नहीं चलने। मूवी बहुत ही अच्छी थी और स्पेशली जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जो मेन आर्टिस्ट थे, सब ने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे स्पेशली जो डेब्यूटेंट है वाणी, उनका काम बहुत ही अच्छा लगा, और
संगीता शर्मा जो हैं उनका काम, जो हमारे फिल्म के हीरो हैं, इन सबका काम बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे अपील करूंगी कि बहुत साफ सुथरी मूवी है, सभी लोग आकर के इसे देखें। और इस पिक्चर बहुत अच्छा संदेश भी देती है हमको अहिंसा का, तो सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि आइए और एक बार जरूर इस पिक्चर को। अच्छी थी, उसके साथ साथ जो उदयपुर का जो प्रकृति का चित्रण हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब झरने वगैरह ये सारा एकदम ओरिजिनल था, जो भी मतलब जिस बाकी फिल्म में मतलब जो मेकअप वगैरह करते थे, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल रखा। जो भी गांव के लोग हैं उनको बदला नहीं, करेक्टर्स को जैसा था वैसा ही ऐसे किया, ओरिजिनल जो चित्रण था वो किया। नहीं।